नमस्कार, नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, अष्टांग हृदय, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सेशन टू। अष्टांग हृदय का 30वां अध्याय का फर्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इसमें क्षार अग्नि कर्म विधि के बारे में बताया गया है। क्षार विधि अग्निकर्म के बारे में बताया गया है। तो इसमें है क्षार कर्म की श्रेष्ठता। सबसे पहले क्षार कर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताया है कि क्षार कर्म सभी शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ होता है। इसके बारे में बताया उन्होंने, सर्वशास्त्र अनुशास्त्राणाम क्षार श्रेष्ठो बहुनियत, मतलब सभी शस्त्र और अनुशस्त्रों में क्षार सबसे श्रेष्ठ होता है, जो कि छेदन भेदन आदि बहुत से कर्म करता है। मतलब बहुनियत, बहुत से काम, छेदन भेदन आदि बहुत से कर्म करता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। छेद भेद आदि कर्माणि कुरुते विषय मेषपि, मतलब छेद बहुत सारे काम करता है और विषय विशेष अंगों में, विशेष अंगों में काम करता है। जहां पर कोई और नहीं जा सके वहां पर जाता है, विशेष अंगों में काम करता है। जहां पर कठिनाई से सतर्क चला जा सकता है वहां पर, जैसे नासा अर्श में, अर्बुद आदि में, वहां पर ये काम करता है, इसलिए सबको सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। दुखावचारस्य शस्त्रेषु तेन सिद्धि मया सुचे अतिकृच्छेषु रोगेषु यच्च पानेपि युञ्जते, तथा शस्त्र से जो रोग साध्य नहीं होते, मतलब शस्त्र से जो रोग साध्य नहीं होते उनमें, और दुख साध्य रोगों में ये प्रयुक्त होता है। यह क्षार अंदर पिलाने के लिए भी बरता जाता है, मतलब ये बाह्य प्रयोग के लिए तो काम आता ही आता है। साथ साथ ये शास्त्र, ये जो क्षार है, ये शरीर के अंदर पीने के लिए भी काम में आता है, उसकी औषधि के रूप में भी काम आता है। अर्श आदि का क्षारपान, स पेयो अर्शो अग्निशाद अश्म गुल्म उदर आदिशु, यह क्षार पीने वाला जो क्षार है, अर्श रोग, अग्निमांध, अश्मरी, गुल्म, उदर रोग आदि में, गर्भ आदि में भी पिलाया जाता है, पीना चाहिए। मत्स्य आदि से क्षार का लेप करना, मत्स्य आदि में क्षार का लेप करते हैं, मत्स्य में चिकित्सा ही क्षार की है, लेप करेगी चिकित्सा है। योज्य सक्षार मत्स्य विश्वित्र बाह्यार्श कुष्ठ सुक्तिषु भगंधर अर्बुद ग्रंथि दुष्ट नाड़ी व्रणा दिशु, यह जो क्षार है मत्स्य में यानी अर्श रोग में, श्वेत्र रोग में, लिकोडर्मा में, बाह्य से बाह्य अर्श में, कुष्ठ में, स्पर्श नाश में, भगंधर में, अर्बुद में, ग्रंथि में, दुष्ट वर्ण में, नाड़ी वर्ण में आदि में साक्षात और सीधा क्षार लगाया जाता है। मतलब सीधा साक्षात मिली है, सीधा क्षार ही उसके ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है, क्षार से वो दग्ध होकर के रोग ठीक हो जाता है। क्षार प्रयोग का निषेध कहाँ कहाँ किया है उसके बारे में बताया है। न तू उभयोपि युक्तव्यम पीते रक्ते चले अबले ज्वरे अतिसारे हनूर मूर्धरोगे पांडवा आमे अरुचि तिमिर कृत संशुद्धो स्वथो सर्व गात्रेगुण, मतलब इन रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें लिखा है निषेध कहाँ किया गया है, पित्त में, रक्त में, वायु में, निर्बल मनुष्यों में, ज्वर में, अतिसार में, हृदय रोग में, सिर रोग में, पांडु रोग में, अरुचि में, तिमिर में, वमन विरेचन के शोधन करने पर, सर्वांग शोथ में, इस प्रकार से इन रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भीरु गर्भिणी ऋतुमती प्रोदु व्रत फल योनिषु अजीर्णे अन्य शिशो वृद्धे धमनी संधि मर्मसु, इसके अलावा डरपोक व्यक्ति में, गर्भवती महिला में, ऋतुमती में, गर्भाशय या योनि बाहर निकल गई हो ऐसी महिलाओं में, अन्न के अजीर्ण होने पर, बालक में, वृद्धि में, धमनी संधि में, मर्म में इनमें भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तरुणास्थि शिरास्नायु सेवनी गल नाली नाभिषु देशे अल्पमासे व्रसन मेढ्र श्रोतो नखांतरे वर्त्म रोगाद्रते क्षणश्च शीत वर्षो उष्ण दुर्दने,
इन सब रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें कहा है तरुणास्थि, मतलब इसमें तरुणास्थि में, सिरा स्नायु में, सेवनी में, गला के रोग में, नाभि में, थोड़े मांस वाले देश में, व्रसन में, मिहन में, स्रोत में, नखों के अंदर, वर्त्म रोग में को छोड़कर आँख के सभी रोगों में, शीत वर्षा और ग्रीष्म काल में, बादल आने के दिन यानी दुर्दिन जो बादल होते हैं उस दिन, इन रोगों में, इन अवस्थाओं में, इन रोगों में, इन अवस्थाओं में, इन स्थानों पर और इन समयों पर क्षारक्रम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से क्षारक्रम इन लोगों में प्रयोग के लिए मना किया गया है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिसॉल्व इट। थैंक यू।